हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके चार कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर लिया था। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसके बाद में बॉन्ड क्लीवेज को, उसके बाद में अटैकिंग स्पीसीज को, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को। आज हम लोग इसका एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो पहले समझते हैं कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या है। देखिए, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, उससे पहले एक बीच में इंटरमीडिएट स्टेज क्रिएट होती है, एक स्टेज क्रिएट होती है जिसकी कुछ स्टेबिलिटी होगी, जो इंटरमीडिएट बना है फिर उसके बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो फिर किसी भी रिएक्शन के दौरान जो बीच में एक स्टेज डेवलप हो रही है, जो बीच में एक सब्सटेंस बन रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब ऐसे कोई स्पीसीज जो रिएक्शन के दौरान उसके कंप्लीशन से पहले क्रिएट होती है, उसको आप क्या बोल सकते हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल सकते हो। देखिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम पे वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्बोकैटायन है, कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन आयन है, और इसके साथ साथ कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है। बट अगर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ हमें तीन केसेस पढ़ने हैं, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन। तो तीन केसेस को या तीन ही रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट को, एंड दैट इज द कार्बोकैटायन। देखो, कार्बोकैटायन कब बनता है? फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, CH3X ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस X का, तो यहां पर करा दी हमने हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब या दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के एक चला जाएगा, अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये चला गया, तो इसके रिजल्टेंट ये क्या मिलेगा, CH3 पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और एक्स पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो ये जो स्पीसीज बनी है कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को कैटायन बोलते हैं, और ऐसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज या ऐसा कैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो कार्बन पर, तो उसे आप क्या बोलते हो, कार्बो कैटायन बोलते हो। इसको जरा देखते हैं, कुछ इस तरीके से शेप बनती है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस पर चार्ज कैसा रहता है, पॉजिटिव। चलो जरा समझो, कार्बन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, चार, हाइड्रोजन कितने शेयर हो गए, तीन, तो चार और तीन सात, एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, छह, तो ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने बचे, सिक्स इलेक्ट्रॉन, मतलब आठ से कम है, और आठ से कम होने पर ऐसे स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। इस बात में कोई परेशानी, ये कार्बोकैटायन है जिसकी वैलेंस शेल में छह इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोल सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है किस पे, कार्बन पे, और पॉजिटिव चार्ज जब कार्बन पे प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक कैटायन बोल सकते हैं, सिंपली बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। एक और बात को समझो, हाइब्रिडाइजेशन पे आए, उससे पहले देखो बॉन्ड पेयर कितने, एक दो तीन, तीन बॉन्ड बन रहे हैं तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर, थ्री। क्या कोई लोन पेयर है, नहीं, तो लोन पेयर जीरो, और जब लोन पेयर जीरो बॉन्ड पेयर तीन तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया, लोन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर थ्री, तो तीन होते हैं तो sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, बॉन्ड पेयर तीन होंगे, लोन पेयर जीरो होंगे।
जरा कार्बन को देखते हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, तो जरा ये 2s2 है और ये आपका 2p2 है, यही तो कंडीशन थी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया था तो ये क्या बचा, ये कंडीशन बनी, यही तो बनी। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो -1 इलेक्ट्रॉन करते ये क्या बचेगा, कुछ ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन जाएगा, 1 2 3 ये तीन हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो 1 2 3 ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में होंगे जिसमें एक एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, लेकिन एक ये प्योर पी ऑर्बिटल है, प्योर पी ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करी है, तो ये कैसी ऑर्बिटल है, प्योर, और पी प्योर पी ऑर्बिटल कैसी पड़ी है, खाली, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, विद वन एम्प्टी, कुछ भी है नहीं इसमें, विद वन एम्प्टी प्योर पी ऑर्बिटल, मैं प्योर पी ऑर्बिटल को यहां पर बना दे रहा हूं जो कि खाली पड़ी हुई है, मैं लिख देता हूं प्योर पी ऑर्बिटल जो कि कैसी है, वैकेंट, तो मैं लिख देता हूं वैकेंट प्योर पी ऑर्बिटल भी होती है कार्बोकैटाइन। ये तो हो गया इसके बारे में सारी की सारी चीजें बात। अब सुनो, फिर बात आती है कि इसकी स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करते हैं। देखो कोई भी रिएक्शन है तो वो रिएक्शन कितनी तेजी से प्रोसीड हो रही है वो डिपेंड करता है उस रिएक्शन के दौरान बनने वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। तो इसकी स्टेबिलिटी को बेसिकली हमें देखना है, उसके लिए एक चीज को समझिए, जब भी आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे रेजोनेंस को, अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो फिर आप देखेंगे हाइपर कंजुगेशन को, और जब हाइपर कंजुगेशन भी नहीं हो या हाइपर कंजुगेशन से भी काम ना चले तो फिर आप जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट के पास। याद रखना इस चीज को, पहले रेजोनेंस देखना है फिर हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। अब सुनो, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस आई और नेगेटिव आई। जो प्लस आई है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, जो नेगेटिव है वो स्टेबिलिटी को घटाएगा, किसकी, कार्बोकैटायन की, भाई कैटायन पे चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा जबकि नेगेटिव वाला उसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव आई। इस चीज को ध्यान रखेंगे, लेकिन याद रखेंगे चीजों को एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से तभी करेंगे जब रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन ना हो। देखो जरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, सिंपली ट्रेंड है, CH3 पॉजिटिव है, CH3 CH2 पॉजिटिव है, CH3 CH CH3 पॉजिटिव है, CH3 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 पॉजिटिव है। देखो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक, तो ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये है टर्शियरी कार्बोकैटायन। देखो जरा, देखो हमें यहाँ पर प्लस आई या माइनस आई की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन आते ही हाइपर कंजुगेशन होने लगेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन तीन, तो तीन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पर 6 यहाँ पर 9, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी, ये आता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। याद रखेंगे इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को, सबसे कम CH3 पॉजिटिव, उससे ज्यादा प्राइमरी की, उससे ज्यादा सेकेंडरी की, उससे ज्यादा टर्शियरी की, किसके केस में, कार्बोकैटायन के केस में। दूसरा केस लेते हैं, ये ले लिया मान लो हमने CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और इस पे चार्ज है पॉजिटिव। दूसरा ले लिया बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर ऊपर CH2 पॉजिटिव लगा है। तीसरा ले लिया एक बेंजीन रिंग है, ये CH पॉजिटिव है और एक और बेंजीन रिंग है, तो सिंपली यहां पर देखो, यहां पर रेजोनेंस होगा, यहां पर रेजोनेंस और ज्यादा होगा, पूरी रिंग में होगा क्योंकि यहां पर दो दो रिंग में रेजोनेंस है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। याद रखेंगे इस चीज को, तो आता है स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द कार्बोकैटायन। अब डिस्कस करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल को, दूसरा केस है कार्बन फ्री रेडिकल। देखो कार्बन फ्री रेडिकल कब बनेगा, मान लीजिए एक स्पीसीज थी CH3 और CH3, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इसका, इनमें होमोलोसिस करा दीजिए,
होमोलिसिस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दो मॉलिक्यूल मिलेंगे CH3 रेडिकल के। जब कोई भी रेडिकल कार्बन के ऊपर होता है तो उसे कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। शेप कुछ इस तरीके से बनेगी, कार्बन हाइड्रोजन 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 एक इलेक्ट्रॉन। अगेन देखो, दो दो चार दो छह और एक सात, सेवन इलेक्ट्रॉन है किसमें, इन वैलेंस सेल। सेवन इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस सेल में है तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो इसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी बोल सकते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये। इसके बाद और कुछ बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखने पड़ेंगे। देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक दो तीन, तीन बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, लोन पेयर जीरो है। देखो लोन पेयर तो कोई है नहीं, अकेला इलेक्ट्रॉन है तो ये कोई लोन पेयर नहीं हो सकता कभी, तो ये दोनों को जोड़ो तो तीन, तो हाइब्रिडाइजेशन अगेन कैसा आ जाएगा, sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आते ही शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कैसी हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। इसके बाद और अगर बात करें यहीं पे तो देखो, एक प्योर पी ऑर्बिटल वहां कार्बोकैटायन में थी तो प्योर पी ऑर्बिटल यहां पर भी होगी, लेकिन उस प्योर पी ऑर्बिटल में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, प्योर पी ऑर्बिटल विद वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये केस बन गया किसका, कार्बन फ्री रेडिकल का। इसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं, देखिए अगेन इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे तो हमारे पास अब दो चीजें होंगी, एक तो होता है रेजोनेंस, पहला हम लोग देखेंगे यहां पर रेजोनेंस को, दूसरा देखेंगे हाइपर कंजुगेशन को, पहला रेजोनेंस को और दूसरा हाइपर कंजुगेशन को। याद रखेंगे कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प नहीं लेते, या तो रेजोनेंस होता है या हाइपर कंजुगेशन होता है। बिल्कुल सिमिलर एक्सप्लेनेशन है यहां पर। ऑर्डर जो आएंगे मैं बता देता हूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम एज कार्बो कैटायन। देखो जरा, पहला CH3 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH CH3 रेडिकल, CH3 CCH3 CH3 रेडिकल। देखो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर यहां 9 होंगे या 6 होंगे या 3 होंगे या 1 भी नहीं होगा। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 रेडिकल, इससे ज्यादा होगा जब बेंजाइल रेडिकल है तब, और उससे भी ज्यादा होगा जब एक और बेंजीन रिंग जोड़ दी तो रेजोनेंस और भी ज्यादा होने लगेगा, और रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर मिलने लगेगा। हमेशा याद रखना, एक और चीज हम बता देते हैं, जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये केस होता है कार्बन फ्री रेडिकल का। सिमिलरली तीसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बन आयन, तीसरा है कार्बन आयन। देखिए कार्बन आयन कब बनेगा, मान लीजिए CH3 था या X था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक हेल्प इस X का। अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर ये चला जाएगा, जब न्यूट्रोलिसिस होगी तो ये मिलेगा CH3, इस पे चार्ज नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। ओके, अब जरा CH3 नेगेटिव को उठा के देखो, ये CH3 नेगेटिव है, इसको जरा उठा करके हम लोग देखें तो CH3 नेगेटिव के केस में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन 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 और इसके ऊपर चार्ज रहता है नेगेटिव। सिर्फ ऐसी इसलिए बनाई है क्योंकि ऐसी होती है, वो क्यों होती है वो जरा भी समझेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन दो और दो चार और दो छह और दो ये नेगेटिव चार्ज वाले, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस है। ओके, दूसरी बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की।
तो बॉन्ड पेयर कितने, एक दो तीन, तीन बॉन्ड पेयर है, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, तो एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन चार ऑर्बिटल मतलब sppp, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। याद रखना, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज कार्बन होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब बात करते हैं शेप की। देखिए शेप जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, लेकिन एक है लोन पेयर, तो लोन पेयर की वजह से शेप में डिस्टॉर्शन आएगा, यहाँ पे तो आ गया लोन पेयर, तो शेप कैसी बचेगी, पिरामिडल। तो शेप कैसी हो गई यहाँ पर, पिरामिडल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी की। जैसे ही कार्बनाइन में स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेबिलिटी को दो चीजों से देखते हैं, पहला रेजोनेंस, और जब रेजोनेंस से काम ना चले तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन कभी भी कार्बन आयन में नहीं होता। मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों। कुछ एग्जांपल्स में स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो हाँ, ये भी दो तरीके का होगा, माइनस आई और प्लस आई। कार्बन आयन था तो कार्बन कार्बो कैटायन था तो स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, लेकिन कार्बन आयन है तो स्टेबिलिटी प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ, मैं लिख देता हूं उस चीज को, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब एग्जांपल में देखते हैं, एक ट्रेंड देखते हैं। नंबर एक, सी एच थ्री नेगेटिव, सी एच थ्री सी एच टू नेगेटिव, सी एच थ्री सी एच थ्री नेगेटिव, सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री और इस पे चार्ज नेगेटिव। देखो भाई, अब तक इंडक्टिव से कर रहे थे, अब इंडक्टिव से नहीं करेंगे किससे, सॉरी अब तक हाइपर कंजुगेशन से कर रहे थे, हाइपर कंजुगेशन से ना करके किससे करेंगे, इंडक्टिव से। ये प्लस आई ग्रुप, ये अब दो दो प्लस आई ग्रुप, भाई एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, पॉजिटिव आई, यहाँ पर तीन तीन प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई हमेशा क्या करेंगे, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे, और घटाएंगे तो सबसे ये कम घटाएगा, ये दो में तो और ज्यादा घटाएंगे, ये और ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम सबसे कम। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी को देखिए, CH3 उससे कम प्राइमरी का, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम टर्सरी का। कार्बो कैटायन में जस्ट अपोजिट होता था, सबसे ज्यादा टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम CH3 पॉजिटिव। रेजोनेंस की वजह से बाकी ट्रेंड सेम रहने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फॉर एग्जाम्पल, इस पे चार्ज नेगेटिव लिया तो, और दूसरा केस ले लिया बेंजाइल बेंजाइलिक एनायन का CH2N नेगेटिव, तीसरा ले लिया एक और बेंजीन रिंग लगा दी CH इस पे नेगेटिव। तो देखो यहां पर रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस और ज्यादा है, यहां और ज्यादा, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो ये आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसके लिए, कार्बन आयन के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों के कॉन्सेप्ट को समझ लिया।